Sexy. Yes? My seat is there. Can I? Yeah, of course. Excuse me? I think that's my seat over there. Yeah, sure. Hello, please. Here's your pillow, ma'am. Thank you. Excuse me? Can I also have a pillow, please? Thank you. Welcome. Thailand. Here we land. चश्मे चेन वेन लेदर शेदर डोले शोले अरे साला पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई है आ दिखाता हूँ कैसे ओ तू मेरी जिंदगी खराब करती है रज्जो जी मैं तुहानू इतना प्यार कर दिया तो तुसी मेरे ते शक कर रहे हो ओ चुप कर ए कितना प्यार है भैन जी थप्पड़ मारना तेरे चुप कर मार के ते दिखा मैं भी पंजाबन है गया ओ चुप कर नहीं तो तेनू हां जी भाई जी ओ की है जी क्या हो रहा है जी ओ जी हमारी शादी को 3 महीने हो चुके हैं और इसने बच्चे को भी जन्म दे दिया हैं दसो आपकी शादी को कितने महीने हुए 3 महीने आपकी शादी को जी 3 महीने बच्चा कितने महीने में हुआ 3 महीने टोटल था 3 3 6 6 3 9 ओ तेरी रज्जो जी ये तो 9 महीने हो चुके हैं यार टाइम का पता ही नहीं चला मैंने माफ कर दे यार तुसी तो ऐवें ही शक करते रहंदे हो थैंक यू जी आपने हमारी शादीशुदा जिंदगी को बचा लिया बस जी 6 0 9 8 3 कॉल करना ओ चल आ जा चप्पल मारते हैं दूजे की तैयारी करते हैं यार आज मुझे तुझ पे बहुत गर्व है चाहे तू इतने साल हमारे देश से बाहर रहा पर आज भी तू हमारे देश की सभ्यता को भूला नहीं है बहुत दुआएं मिलेंगी तुझे आज तूने एक शादी को टूटने से बचाया है ये बिल्कुल नहीं बदला बिल्कुल वैसे का वैसा ही है अरे मेरे भोले का नहीं यार मैंने कोई पुण्य का काम थोड़ी किया है मैंने तो अपने फायदे के लिए किया है नहीं समझा ये कभी नहीं समझेगा वेलकम टू द न्यू एक्साइटिंग लाइफ थैंक यू यार लेकिन मुझे एक बात बता तू यहाँ करता क्या है और हमसे क्या करवाना चाहता है हाँ इट्स अ सरप्राइज एक ऐसा सरप्राइज जो तुम लोगों की लाइफ बदल देगा वैसे ही जैसे सनी लियोनी की इंडिया आकर बदली Gun talking, click clack, trap just turning fit. While they saying they hot, well I guess I'm a scum. I'm a monster when it comes to this rap shit. कौशल्या बेबी डार्लिंग मीट मी टुनाइट आई विल मेक यू अ बिग स्टार हां मिकी क्या लाइफ है तेरी यार अरे ये तो सिर्फ ट्रेलर था अब यहां खुलता है जन्नत का दरवाजा वेलकम ये है मेरा स्टूडियो नाइस प्लेस और मेरे सारे काम यहीं से होते हैं कैसा काम सारे काम पता चल जाएगा यू गाइस आर गोना हैव अ लॉट ऑफ फन या बड़े छाए हो मेरे चिकनो हाय ये दोनों कौन है मिकी ये दोनों मेरे बचपन के दोस्त हैं कन्हैया और रॉकी और गाइस ये हैं मेरे ब्रिलियंट एक्टर्स ये दोनों कितने क्यूट हैं स्पेशली ये वाला हट
अबे ज्यादा छेड़ मत, फ्रेश माल है, अभी अभी इंपोर्ट किया है हमने। एक सेकंड, कहीं तुम्हें हमें रिप्लेस करने तो नहीं ले आए हो? अरे मेरी ब्यूटी, तू रोती क्यों है? थोड़ी रिप्लेस कर दूंगा, तुम लोगों के चिराग में तो अभी भी बहुत सारी लाइट है। वो तो है। अरे ये दोनों तो मेरे लिए और सक्कू की जिंदगी में अपनी मोमबत्ती से रोशनी भरने आए हैं। मोमबत्ती? तूने सोच भी कैसे लिया कि हम ऐसी गंदी बात के लिए राजी हो जाएंगे? अरे मैंने सोचा अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करूंगा गंदी बात। तुझे शर्म नहीं आती? तू बीपी बनाता है? अरे बीपी नहीं, डीपी। डीपी? हाँ, डर्टी पिक्चर। मुझे एक बात बता, तू हमसे ये काम क्यों करवाना चाहता है? हम में ऐसी क्या खास बात है? अरे डार्लिंग, तुम दोनों में वो है, एक्स फैक्टर? नहीं, मैक्स फैक्टर। तुम लोग वो दिन भूल सकते हो, लेकिन वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। याद है मेरे बर्थडे की पूल पार्टी? अरे ये कौवा पानी में कैसे खड़ा है? भगवान किसी को बड़ा दिल देता है, कभी किसी को भगवान बड़ा दिमाग देता है, लेकिन अपना दिमाग लगाकर अपने दिल से पूछो कि भगवान ने तुम्हें क्या दिया है। तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ मैं मानता हूं कि मैं गंदी फिल्में बनाता हूँ, यहाँ पे लड़के लड़कियों को नंगा करता हूँ, लेकिन उसी कमाए हुए पैसों से मैं सोमालिया के नंगे बच्चों का तन भी ढकता हूँ। तुम लोगों को ना मेरे वो गलत वाले जॉब्स नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जॉब नजर नहीं आ रहे जो मैं आए दिन यहाँ गरीब हिंदुस्तानियों को बैंकॉक में देता हूँ। तुम लोगों को ना मेरे बारे में जो सोचना है सोचो, लेकिन मेरी नजर में मैं पौन का नहीं, पुण्य का काम करता हूँ। He's right. और ऐसे भी कन्हैया, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम वापस घर नहीं जा सकते। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हमें ये कर लेना चाहिए। हम दोनों के पास ऊपर वाले का दिया हुआ स्पेशल टैलेंट है, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तू पागल तो नहीं हो गया रॉकी? अगर तुझे ये गंदा काम करना है तो तू कर, मैं नहीं करने वाला। यार बचपन से लेके आज तक हम दोनों ने जो कुछ भी किया साथ में किया, जिए भी तो साथ, पिए भी तो साथ, झूला झुलाए भी तो साथ, पौधा हिलाए भी तो साथ, और आज तो मुझे अकेला छोड़ देगा? देख अपने चारों ओर, तुझे कोई ना कोई साइन जरूर मिलेगा कि हमें मिकी की फिल्म साइन कर लेनी चाहिए। हाँ, वो फूल देख, वो एक साइन है। कैसा साइन? फोकस कन्हैया, फोकस। देख कन्हैया, आसमान भी तुझे बादलों में साइन दिखाकर आशीर्वाद दे रहा है। हाँ कह दे कन्हैया, हाँ कह दे, हाँ बोल दे कन्हैया, हाँ बोल दे कन्हैया, हाँ बोल दे, हाँ। You can do it. Yes, yes. अरे क्या नहीं, हाँ बोल दे, हाँ हाँ कह दे कन्हैया, हाँ। अबे सेट रेडी, अबे लाइट रेडी, अबे एड़े प्रोजेक्टर मारना, अबे चिंकी क्लैप, कॉल ए शॉट वन टेक वन एक्शन। मैं अपना तांगा खुद चला चला के थक गई हूँ बन्नो। सोचा था चीरू चलाएगा, लेकिन वो मुझे छोड़कर लंबू के साथ भाग गया। क्योंकि सोचने वाली बात ये है कि पहले उनकी सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन अब दोस्ताना हो गया है। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ बन्नो? कसंते, तुम कहो तो तुम्हारे तांगे की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ। कैसे फाखर साहब, आपके पास तो हाथ ही नहीं है। अबे ये क्या मेरे मुंह में कहाँ डाल रहा है वादे? चप्पल। पचास पचास कोस दूर जब गांव में होली होती है तो माँ कहती है सो जा बेटी सो जा, वरना अपनी पिचकारी लेकर चब्बर आ जाएगा। युकि कब है होली, होली कब है? अरे ओ घसंती, कितने आदमी थे? नहीं मालूम, 50 के ऊपर की गिनती मुझे नहीं आती। घसंती, इस कुत्ते के साथ होली मत खेलना। ठीक है फाकुर, घसंती के लिए टॉस करते हैं। नहीं। ये ले, नहीं। कर टॉस। नहीं। कर? नहीं। 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 फाकुर साहब, आपके हाथ और हाथों में बंदूक। यस। होली कब है? कब है होली? अब है होली। कट, फैंटास्टिक, बैक अप।
हेलो सर, टू आइसक्रीम्स प्लीज। कापा कोन? कोन्स प्लीज। थैंक यू सर। रब की कवाली है इश्क को, दिल की दीवानी है इश्क को, महके से प्यारी है इश्क को, ये सुबह की लाली है इश्क को। पहले आइसक्रीम खा ले, फिर उसको खा ले, मतलब देख ले, ये ले। अबे क्या यार। अच्छा सुन, मैं बाथरूम जाके आ रहा हूँ। सुनना, कहीं जाना मत, इधर ही रुकना। अबे इधर ही जाना। हाँ ठीक है, बाथरूम जाके आ रहा हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई रॉकी। मुझे ना लव एट फर्स्ट साइट हो गया। किससे? चूहे से? नहीं, उस लड़की से। ओ, लेकिन पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। यही सोच रही होगी कि तुझे बच्चों जैसे खेलने में मजा आता है। और क्या पता अगर उसे भी बच्चों से खेलने में मजा आता हो तो यूं समझ ले कि तुझे अपना सच्चा प्यार मिल गया। शट अप। तू यू रेटेड लव स्टोरी को ए रेटेड बनाने पे क्यों तुला है? हर लड़की सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं होती। मेरा भी एक सपना है कि मेरी एक परफेक्ट वाइफ हो, जिसके साथ मैं अपना घर बसा सकूं। परफेक्ट वाइफ? हाँ। और वो भी बैंकॉक में? हाँ मिलेगी, चल ढूंढते। लेकिन उसके पहले ना शूटिंग पे चलते, मिकी हमारा वेट कर रहा है। हाँ? चल 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 चल। सच्चा प्यार हो गया।